हम अपने परम शास्त्रों को उपनिषद कहे। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के पास आते जाना, उसके पास बैठना। जितने तुम पास आते जाओगे बस उतना ही तुम्हें करना है, शेष अपने से हो जाएगा। तुम दूर भर मत रहना, तुम फासला बना के मत खड़े रहना, तुम अपने को बचाना मत, तुम अपने को उंडेल देना बिना हिसाब के, बिना डर के, बिना सुरक्षा का इंतजाम किए पास आ जाना। तुम अपने चारों तरफ कवच मत ओढ़ना, बस तुम्हारा पास आना काफी है, लपट पकड़ लेगी। शास्त्र कैसे हैं? गुरु तो जलते हुए दिए जैसा है, शास्त्र तो दिया सलाई है, उनमें आग तो छिपी है लेकिन उसे प्रकट तो तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम ऐसे अज्ञानी हो कि दिया सलाई लिए बैठे रहोगे और दिया सलाई की ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर लोगे कि तुम्हें यह कभी याद ही ना आएगी कि उसमें छिपी हुई सलाई में आग है, रगड़ने की जरूरत है और आग पैदा हो जाएगी। वचनों में आग है लेकिन उसे निकालना पड़ेगा, वो प्रकट नहीं है, वो छिपी है। निकालेगा कौन? तुम ही निकालोगे। और तुम्हारे अंधकार में भरोसा नहीं किया जा सकता कि तुम निकाल पाओगे। तुम दिया सलाई की पूजा करोगे, ये मुझे पक्का पता है। तुम दिया सलाई पर चंदन तिलक लगाओगे, फूल चढ़ाओगे, धीरे धीरे तुम इतनी चीजें चढ़ा दोगे कि उन्हीं में दिया सलाई ढक जाएगी और तुम भूल ही जाओगे कि पीछे दिया सलाई भी थी। तुम उसके दिया सलाई के चरणों में सिर झुकाओगे। कोई तुम्हारी दिया सलाई के खिलाफ कुछ कहेगा तो लड़ने मरने को उतारू हो जाओगे। तुम दिया सलाई के लिए मरने को तो राजी रहोगे लेकिन दिया सलाई के अनुसार जी ना सकोगे, वो आग बंद ही पड़ी रहेगी। शास्त्र तो दिया सलाई जैसे, सदगुरु जलती हुई आग है, उसके तुम्हें सिर्फ पास आना है, कुछ करना नहीं है। निकट होने की क्षमता बस पर्याप्त पात्रता है। पास आते आते बुझी लो जली लो के साथ एक हो जाती। कृष्ण को सुनकर नहीं अर्जुन बदला, नहीं तो कोई भी बदल लेगा, गीता मौजूद है। कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण के भीतर जो घटा है, जो ज्योति जली है। कृष्ण ने इतनी बातें कही अर्जुन को, क्या तुम सोचते हो इसलिए कहीं कि कृष्ण को यह पता नहीं कि बातों से कुछ भी ना होगा? कृष्ण को भलीभांति पता है कि बातों से कुछ भी ना होगा, सिर्फ एक बात घटेगी कि बातों से भरोसा बढ़ेगा, अर्जुन करीब आने की हिम्मत जुटा लेगा। तुमसे मैं रोज बातें किए चला जाता हूं, क्या मैं समझता हूं कि तुम सुन सुन के ज्ञानी हो जाओगे? या तुम मेरी बातों को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति आ जाएगी? नहीं, बातें तो सिर्फ बुलावा है, वो चर्चा तो तुम्हें उलझाने की है, वो तो थोड़ी देर को तुम अपने सुरक्षा को भूल जाओ, मेरे पास आ जाओ, बस इतना ही। बातचीत तो खेल खिलौनों जैसी है जिसमें तुम उलझ जाओ और तुम्हारे अहंकार को घड़ी भर को भूल जाओ और पास से रखाओ। मेरी बात को पकड़ने से कुछ ना होगा, मेरी बात में अगर तुम डूब गए, लीन हो गए और पास आ गए उस लीनता में, तो क्रांति घट जाएगी। तब तुम भी हंसोगे कि इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी, पास ही क्यों ना ले लिया। लेकिन वो संभव ना था। अगर तुम्हें पास लेने की कोशिश की जाए तुम दूर भागोगे, तुम्हें बुलाया जाए तुम डरोगे, तुम समझोगे को कोई फंदा है, कोई जाल है। तुम्हें सीधे बुलाया नहीं जा सकता, तुम ऐसी उल्टी दशा में हो। तुम्हें बुलाना भी हो तो परोक्ष, तुम्हें निमंत्रण भी भेजना हो तो सीधा नहीं भेजा सकता कि आ जाओ, क्योंकि तुम हजार बहाने करोगे और तुम डरोगे भी कि बुलावा क्यों, जरूर कोई स्वार्थ होगा।
बुलाया है तो जरूर कोई मतलब होगा, बिना मतलब कोई किसी को बुलाता है? तुम किसी को नहीं बुलाते बिना मतलब। तो तुम अपनी सुरक्षा करके आओगे, कवच बांध के आओगे, मन को बंद करके आओगे, तब जलता हुआ दिया भी कुछ ना कर सकेगा। तुम्हारी बाती अगर छिपी हो अस्त्र शस्त्रों में तो कोई उपाय नहीं। सब चर्चा फुसलाने की है, पूरी गीता सिर्फ जाल है अर्जुन को पास आने के लिए कि तू पास आ जा, तुझे भरोसा आ जाए। और तुम सिवाय शब्दों के और किसी चीज से भरोसा नहीं करते, जीवन से तो तुम्हारा संबंध टूट गया है, अस्तित्व से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा है, तुम सिर्फ शब्दों में जीते हो, सब शब्दों का जाल है। प्रेम तुम्हारे लिए एक शब्द है, परमात्मा तुम्हारे लिए एक शब्द है, सत्य तुम्हारे लिए एक शब्द है, प्रार्थना तुम्हारे लिए एक शब्द है। तो तुम्हें अगर खींचना हो तो शब्दों का ही व्यूह रचना पड़ेगा। कृष्ण ने गीता कहकर शब्दों का व्यूह रचा, जैसे मकड़ी जाला रचती है। मकड़ी का जाला तो दिखाई भी पड़ता है, शब्दों का जाला तो उतना भी दिखाई नहीं पड़ता। शब्दों से बंधे तुम खींचे चले आते हो, शब्दों से सम्मोहित तुम पास चले आते हो, और एक घड़ी जब तुम इतने पास आ जाते हो जहां ज्योति छलांग ले सकती है और तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ सकती, वहां घटना घट जाती। कृष्ण अर्जुन को सुनाने समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू मत घबरा अर्जुन, पास आ जा, मामेकम शरणम ब्रज, सब छोड़ मेरी शरण आ जा। उसके लिए सारा उपाय है। जिस क्षण वो पास सरक आया होगा उसी क्षण भीतर मुड़ गया, जिस क्षण पास आ गया होगा उसी क्षण अर्जुन कृष्ण हो गया।